हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कॉटन कैंडी का एक टुकड़ा उठाते हैं और उसे अपने मुंह तक पहुंचाते हैं तो आप न केवल एक मिठाई का आनंद ले रहे हैं बल्कि अपने अंदर एक पॉइजन को भी डाल रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कॉटन कैंडी में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना घातक बना रहा। इसे घातक बनाने के पीछे है इसमें मिलाया जाने वाला कलर। कॉटन कैंडी को चटक गुलाबी रंग देने के लिए इसमें जो कलर मिलाया जाता है उसका नाम है रोडामाइन बी। रोडामाइन बी असल में एक डाई है जिसका इस्तेमाल कागज या कपड़े में रंग डालने के लिए किया जाता है। इस डाई की मदद से लाल या गुलाबी रंग चढ़ाया जाता है। बस थोड़ी सी डाई को पानी में मिलाने पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बूंद डाई से कितना रंग आ गया है। थोड़ी सी डाई कई किलो चीनी में मिलाकर अच्छा गुलाबी रंग हासिल किया जा सकता है। कॉटन कैंडी बनाने वाले को ये काफी सस्ता पड़ता है इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसे लगातार खाएं तो कैंसर का कारण बन सकती है। FSSAI ने इन सब कलर पर पाबंदी लगाई हुई है। कॉटन कैंडी के अलावा और भी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। सुपारी, गुड़, रोज मिल्क, गुलाबी मूली के ऊपर भी इसका इस्तेमाल होता है। कुछ रिसर्च में इसे जीनोटॉक्सिक केमिकल के रूप में पाया गया है जो कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। हम ग्राहक को सामान्य तौर पर ये पता नहीं चल पाता है कि वो जो भी खा रहे हैं उसमें किस तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे हालात में वो क्या करे। ऐसे में हमें ज्यादा चटक रंग के खानों से बचना चाहिए।